लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मनीष खंडूरी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। मनीष खंडूरी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि ये दुखद है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मनीष खंडूरी को सराखों पर बैठाया और अब जब कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत थी तब उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो भी उनके मन में चल रहा है वो पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं के समक्ष अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले थे और खुले रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के दरवाजे मनीष खंडूरी के लिए खुले हैं, इसे इनसे उन्हें अंदेशा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल ना हो जाएं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे। उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूँ कि कहीं भी न्याय उचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी पार्टी ने उन्हें सिर आँखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि गोदियाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे लेकिन अभी खंडूरी जी को, मनीष खंडूरी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल, मैंने उतनी ही उस इलेक्शन में उनके लिए मेहनत की जितनी मेहनत की अपने लिए कोई करता। बहरहाल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन आज ये समाचार मिला कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। मेरी हमेशा जब भी कोई बात ऐसी हो मेरी उनसे होती थी लेकिन इस दौरान इस बारे में कभी उन्होंने ये बात मुझे बताई नहीं। लेकिन फिर भी अभी मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी